समुद्र में चलने वाले या बड़े बड़े समुद्री जहाजों में लाखों टनों का वजन होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े जहाज को चलाने वाले प्रोपेलर कितने बड़े होते होंगे? दोस्तों, जहाज के प्रोपेलर को चलाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी आती है इस विशालकाय इंजन से, जो जहाज के एक छोर से दूसरे छोर तक शाफ्ट के माध्यम से इस प्रोपेलर को घुमाता है। प्रोपेलर में लगे इन पंखों को ब्लेड कहा जाता है, जो जहाज की कैपेसिटी के हिसाब से लगाए जाते हैं। छोटे जहाजों में दो ब्लेड प्रोपेलर का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेलर में ब्लेड की संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। प्रोपेलर में जितनी ज्यादा ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा, जहाज उतनी ही बड़ी और हैवी हो जाएगी। प्रोपेलर के घूमते ही जहाज आगे को बढ़ने लगती है तथा प्रोपेलर के ब्लेड भाग को पिच कहा जाता है। जहाज के प्रोपेलर की लंबाई 20 फुट तक हो सकती है। प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। प्रोपेलर जितनी स्पीड से घूमेगी, पानी पर उतना ही दबाव बनाएगी, जिससे जहाज की स्पीड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, समुद्री जहाज की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती होगी, गैस करके कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।